राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धरोहर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। मोदी सरकार ने किया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। अगले 3-4 सालों में 200 एयरपोर्ट का नेटवर्क खड़ा करने की है कोशिश। शोपिया मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने इनोवा क्रिस्टा MPV का लिमिटेड एडिशन किया लॉन्च, जिसकी कीमत 17.18 लाख से शुरू। रामनगर के चुकुम गांव में 20 घर और खेत बहे, कोसी का जल स्तर बढ़ने से नहीं पहुंच पा रही मदद। इफ्तिखार उद्दीन की भाषा बोल रहे कानपुर के कुछ कारोबारी, इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन लिखकर ग्राहक को थमा रहे बिल। लखीमपुर खीरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार से रिपोर्ट देरी से भेजने पर जताई नाराजगी, 26 अक्टूबर तक टली सुनवाई। भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा पहुंच चुका है 99 करोड़ के पार, WHO ने की सराहना। अरब सागर से चला पश्चिमी विक्षोभ, उत्तराखंड और केरल में कहर बनकर टूटा। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, अब तक 76 की मौत। 2021 मर्जर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में कहा गया, सरकार को पेंशन प्रणाली में करना चाहिए सुधार। 43 देशों की समग्र पेंशन प्रणाली में 40वें स्थान पर है भारत। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य अधिकारियों और विशेषज्ञों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दिवाली का बड़ा तोहफा, ₹7,000 बढ़कर आएगी सैलरी। इमरान सरकार के लिए खतरे की घंटी, अगले वर्ष अप्रैल तक पाकिस्तान को रखा जाएगा ग्रे लिस्ट में। सीरिया में दमिश्क सेना की बस पर आतंकी हमला, 13 लोगों के मारे जाने की खबर। पेट्रोलियम आधारित जेट ईंधन के एक नए विकल्प की खोज, पादप आधारित जेट फ्यूल से 68% तक कम हो सकता है कार्बन उत्सर्जन। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के लिए पटना पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरा और सबसे लंबा बिहार दौरा। बिहारी मजदूरों की हत्या पर भाजपा विधायक हरिभूषण का बड़ा बयान, आतंकवादियों के खिलाफ एक और एयर स्ट्राइक करेगी भारत सरकार। कानपुर में ठंडी हवा के कारण तापमान में आएगी मामूली गिरावट, आज मौसम सामान्य रहने के आसार। धूल निरोधक अभियान के तहत DPCC की टीमों ने अब तक किया 1105 निर्माण स्थलों का दौरा, उल्लंघन मिलने पर करीब 90 लाख रुपए का लग चुका है जुर्माना। नेपाल में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण 21 की मौत, 2 दर्जन लोग हुए लापता। पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त होना चाहते हैं हरीश रावत, बोले उत्तराखंड के लिए नहीं दे पा रहा समय। देहरादून में बेरोजगार युवाओं ने पुलिस भर्ती में देरी पर उठाए सवाल, अनशन करने की दी चेतावनी। पीलीभीत में बाढ़ में फंसे 26 ग्रामीणों को किया गया एयरलिफ्ट, सेना ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। फरुखाबाद में बौद्ध अनुयायियों ने धार्मिक स्थल के हिस्से को किया क्षतिग्रस्त, तनाव के हालात देख फोर्स हुई तैनात। पहली बार पर्दे से बाहर आई कानपुर मेट्रो, मौके पर मौजूद रहे जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर।